मंत्री मोहन यादव के लाउडस्पीकर पर बैन और खुले में मांस बिक्री प्रतिबंध के फैसले पर पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघा ने कहा कि यह उनका फैसला नहीं है, यह आरएसएस का फैसला है। सबसे पहले तो महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से जो शुल्क लिया जाता है वह नहीं लेना चाहिए। हाईकमान को तीनों राज्यों में बनाना है तो तीनों राज्यों के अभी राय शुमारी के बाद पूछना होगा। देखिए वो ये मुख्यमंत्री जी का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। और मैंने तो मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा था कि सबसे पहले महाकाल से शुरुआत करें, आप महाकाल से हो, उज्जैन नगरी से, तो वहाँ पर जो शुल्क लगता था